अभिजात जी और प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, विकसित भारत हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं, उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हाँ, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लाभार्थियों का और उपस्थित बंधुओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी देश के अंदर सरकारें थी और ये सरकारें लगातार काम की होंगी, देश का पैसा भी खर्च की होंगी, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसे बन गई थी, भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद, आज हम देख सकते हैं। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली, देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया, नहीं, पहले गरीब सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे,
चेहरा देख करके योजनाओं का बंदरबांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, 4 करोड़ परिवारों के आवास बने, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 55 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया है। लगभग 3 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है। आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के, वह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या देश के अंदर किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो इंपैनल्ड है, वहां जाकर के 5 लाख रुपए की सहायता, स्वास्थ्य की सुविधा वहां आपको उपलब्ध हो सकती है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसे भी फ्री में सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी जहां पर ये नहीं है, वहां पर जिन लोगों के कार्ड नहीं बन गए, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं और विधायक गण अपने विधायक निधि से भी पैसा उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, और ये तो मिल ही रहा था, अगले 5 वर्ष तक ये मिलता रहेगा। भैया बहनों, जब सरकार की संवेदना होती है तो गरीब के बारे में कार्य योजना बनाती है। यहाँ गरीब कल्याण भी हो रहा है, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है, और साथ साथ देश को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहे हैं। जब एक नागरिक खुशहाल होगा तो परिवार के बाद समाज और देश के बारे में भी सोचेगा, और यही संकल्पना है। भाइयों बहनों, सरकार आपके बारे में सोच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 5 प्रण की बात कही है। 5 प्रण, जब देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने, एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, और दुनिया की खुशहाली हो, दुनिया को नेतृत्व करने वाला हो, वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य रखता हो, कोई अभाव में न हो, कहीं भी कोई भूखों न मरे, इसी के लिए राशन की सुविधा, कोई ठंड से न मरे, इसके लिए गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले इसकी सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले इसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है, रोजगार सृजन के लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कार्य में उपलब्ध कराया जा रहा है, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उजड़ना न पड़े, जहां पर आवास है वहीं पर उसका मकान बने, उसका मालिकाना अधिकार ही उसको प्राप्त हो जाए, इसके कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिसंबर तक हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश में दे देंगे, और देश में भी इस सुविधा का लाभ लगातार देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी दृष्टि जो पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो पंच प्रण है उनमें से कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए, इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे, और
एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। इन सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक, इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व है। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के चेहरे से खुशहाली को हटाना और उस खुशहाली को लाने के लिए ही एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। लखनऊ के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हमने यहाँ प्रमाण पत्र भी दिए और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने एनआरएलएम को ही सौंप दिया है। 60,000 महिलाएं सीधे सीधे उसमें रोजगार पाई है। बैंकिंग की सुविधा के लिए बीसी सखी की कार्य योजना हमने प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हर गांव में एक बीसी सखी, वह गांव गांव में लोगों के पैसे को बैंक में जमा करती है, किसी को निकालना उसके माध्यम से निकालती है और साथ साथ गांव की बैंक की समस्या का समाधान भी कर दी है। यानी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रयास के लिए सरकार का प्रोत्साहन आपके साथ में, सरकार का संबल आपके साथ में है और इसी संबल को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के मन के उन भावों को दूर करने के लिए, अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, इससे उभरना पड़ेगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिनको प्राप्त हुआ है उनको वे लोग अपनी कहानी बोले, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। जो भी पात्रता की श्रेणी में होगा हर पात्र व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस संकल्प सरकार का संकल्प है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में, 762 से अधिक नगर निकायों में ये कार्यक्रम इस वीडियो वैन के साथ जगह जगह जाकर के इस